करेरा जनपद के सभी 24 सदस्यों की सहमति से कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त पशुपालन व कुटकुट निगम अध्यक्ष व पूर्व विधायक जसवंत जाटव के बड़े बेटे पुत्र पुष्पेंद्र जसवंत जाटव निर्विरोध जनपद अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो वहीं दबरा दिनारा से जनपद सदस्य शिवानी यादव पुत्र शिव सिंह यादव की बेटी को करेरा जनपद पंचायत से उपाध्यक्ष बनाया गया है। जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया के लिए जनपद सदस्यों का सम्मेलन आज सुबह 10 बजे बुलाया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए फार्म बुलाए गए, जिसमें पुष्पेंद्र यादव का एकमात्र फार्म जमा होने पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ, जिसके चलते करेरा जनपद पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा हो गया है। करेरा जनपद पंचायत कार्यालय में संपन्न हुए चुनाव में निर्विरोध भाजपा जनपद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष बनने पर जनपद कार्यालय के बाहर भाजपाइयों ने जमकर जश्न मनाया और ढोल नगाड़ों के साथ पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। रैली निकालकर आभार प्रकट किया गया। रैली में भाजपा के प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत सहित वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। इस ऐतिहासिक जीत पर देखिए भाजपा प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत ने क्या कहा। हमारे करेरा विधानसभा क्षेत्र के दोनों विकास खंडों में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। और मैं ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार की जीत है, हमारी कल्याणकारी नीतियों की जीत है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये दोनों विकास खंडों में हमारे दोनों अध्यक्ष और दोनों हमारे उपाध्यक्ष सरकार की योजनाओं को नीचे ले जाने के लिए सफल होंगे और एक हर व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुँचे उसमें कामयाब होंगे। दूसरे दृष्टि से हम देखें कि मध्य प्रदेश में 313 विकास खंडों में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत होने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गरीब कल्याण की योजना है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 15 वर्षों में जो गरीब कल्याण के लिए कार्यक्रम आयोजित किए हैं उसको देख करके आज जनता ने आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसमें परिश्रम किया, ये उनकी जीत है। मैं सबको शुभकामना देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ, धन्यवाद।